खबर है जहां पर दिल्ली में आतंकी के गिरफ्तार होने की खबर सामने आई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की है। मुठभेड़ के बाद आतंकी को गिरफ्तार किया गया। धौला कुआं से आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। आईएसआईएस का आतंकी अबू यूसुफ पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इलाके को घेर लिया है। अवैस उस्मानी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। अवैस, और क्या कुछ जानकारी है? अवैस, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? वो चाहती है, वहां पे एनकाउंटर के बाद जो है बताया जा रहा है कि उस आतंकी को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से आईडी भी बरामद हुआ है, तो साफ तौर पे इसके इरादे जो थे वो नेक नजर नहीं आ रहे थे। जिस तरह से उसके पास आईडी मिली है, कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए वो दिल्ली में आया था। फिलहाल अभी पूरे इलाके को दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल जो है उसने घेरा हुआ है और तफ्तीश जो है इस मामले में भी चल रही है। बिल्कुल, अब ऐसे जानना चाहेंगे इस आतंकवादी से पूछताछ में और क्या कुछ निकल करके सामने आया है, किस किस के लोगों से इसके कॉन्टैक्ट थे और क्या कुछ प्लानिंग थी लोगों की? जी बिल्कुल, जिस तरह से इसके पास आईडी मिली है, साफ तौर पे इससे नजर आता है कि दिल्ली को दहलाने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। और उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने जो है उसको करोल बाग से धौला कुआं की तरफ जो रिंग रोड जाती है वहां पे गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ भी हुई थी, क्रॉस फायरिंग भी हुई, उसके बाद फिर इसको पकड़ लिया गया। तो फिलहाल अबू यूसुफ नाम जो है वो बताया जा रहा है, आईएसआईएस का भायर कहा जा रहा है, सक्रिय आतंकी भी था और इससे पहले भी उसने कई बार पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार वो पुलिस के हाथ से चढ़ गया। और आईडी जिस तरह से बरामद हुई उसके पास से, तो साफ तौर पे उसके इरादे से नेक नहीं रहे होंगे, दिल्ली को दहलाने की कोशिश होगी और दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कामयाबी जो है वो हाथ लगी। फिलहाल अभी थोड़ी सी और जानकारी का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी तक कोई आधिकारिक बयान जो है वो नहीं जारी किया गया इस मामले। बिल्कुल, एक बड़ी कामयाबी साफ तौर पर पुलिस को हाथ लगी है। अवैस, जानना चाहेंगे पुलिस अब आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, धौला कुआं इलाका जो है उसको पुलिस ने भी घेरा हुआ है, उस इलाके की छानबीन जो है वो चल रही है और उससे पूछताछ जो है वो अब की जाएगी कि वो दिल्ली क्यों आया था, किन लोगों से मिला, क्या उसका टारगेट था, क्या वो करना चाहता था, कहाँ से आया, उसको आईडी जो बरामद की वो कहाँ से उसको मिली, तमाम तरह के सवाल जवाब जो है वो उससे अब पूछताछ के दौरान किए जाएंगे। तो साफ तौर पे दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी जो है वो आज हाथ लगी है। आईएसआईएस का आतंकी जो है उसको दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, अब सबसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में इस आतंकवादी के पास से और क्या कुछ बरामद हुआ है, क्या इसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं और क्या इसके मोबाइल फोन में कुछ कॉन्टैक्ट भी बरामद हुए, किन किन लोगों से संपर्क में था ये आतंकवादी? जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की तफ्तीश करिए, फिलहाल ये बताया जा रहा है कि आईईडी जो है वो बरामद हुई है। एक एक्सक्लूसिव होता है ये, जिससे बड़ा आतंकी बड़ा। चलिए अवैस, आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।